हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ओरिएंटेड होने वाला है नए यूट्यूबर एंड क्रिएटर्स के बारे में। यानी अगर आप भी एक नया क्रिएटर हैं, यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपका अच्छा से अच्छा कंटेंट हो और रेगुलर यूट्यूब पे वर्क करें। ये नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करने के चक्कर में लगे रहें और पूरा हो जाने के बाद आपका वार्निंग शून्य होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का क्राइटेरिया तो आप पूरा कर लीजिएगा, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन बाद में आप उतना व्यूज़ नहीं लेकर आ पाएंगे चैनल पे, जिससे कि आपका अच्छी खासी अर्निंग हो सके। ये एक्सपीरियंस मिला है हमें, हमारा चैनल जब मोनेटाइज हुआ है तब जाकर। चैनल तो मोनेटाइज हो गया लेकिन उतने अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आने की वजह से उतना अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो पा रहा है। ये प्रॉब्लम हुआ अनरेगुलरिटी की वजह से। कंटेंट अच्छे थे, कंटेंट वायरल भी हुए, लेकिन अनरेगुलरिटी की वजह से इतने अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आने की वजह से अच्छी खासी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो अगर आप भी नए क्रिएटर हैं, YouTube पे काम करना चाहते हैं, तो यह एल्गोरिथम अपने ध्यान में रख लीजिए कि आपको रेगुलर YouTube पे वर्क करना है और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना है, अपने नेचुरल के साथ प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि बनावटी तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ हाई फाई तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप अपने नेचुरलिटी के साथ, रियलिटी के साथ 100% वर्क कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। क्रिएटर इस पर ज़रूर ध्यान दे। आप क्राइटेरिया पूरा करने की बजाय आप चैनल पे, व्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे कंटेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि अच्छा जब खासा जब व्यूज़ आएगा तभी जाकर आपके चैनल पे अर्निंग स्टार्ट होगा। जब कम व्यूज़ रहेगा तो उतने अच्छे खासे अर्निंग भी नहीं हो पाएगा, तो बस एक नाम का ही चैनल मोनेटाइज रह जाएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, बस मोनेटाइज ही रह जाएगा, अर्निंग कुछ होगा नहीं। आपका एक महीना दो महीना में $10 $5 कंप्लीट होगा तो उससे क्या हो पाएगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो उससे अच्छा है कि शुरू से ही उस पर वर्क किया जाए, शुरू से ही उस पर ध्यान दिया जाए, न कि इस पर ध्यान दिया जाए कि मेरा चैनल कब मोनेटाइज हो जाए, कब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का मतलब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए। इस पर तो सभी यूट्यूबर वर्क करते ही हैं, लेकिन आपको इस पर वर्क नहीं करना है। आपको वर्क करना है कि हमारे वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट का रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब वीडियो शेयर हो। इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कब हो सकता है? ये हो सकता है आपके अच्छे कंटेंट और रेगुलरिटी के बेस पे। ये नहीं कि अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और रेगुलरिटी नहीं है तभी जाकर आपका चैनल का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दोनों वर्क आपको होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इसमें 100% एफर्ट देना है। ये नहीं कि किसी तरह वीडियो शूट कर लिए, कोई भी कंटेंट उठाएं और कैसे भी अपलोड कर लिए, उसमें आपको अच्छे से थंबनेल बनाना होगा, अच्छे से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सभी आपको ऐड करना होगा ताकि आपका वीडियो रैंक करे, कोई सर्च करे तो सर्च लिस्ट में आपका वीडियो आ सके। तो आखिरकार यही कहना चाहते हैं कि आप चैनल मोनेटाइज पर ध्यान न देकर आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा तो चैनल मोनेटाइज होगा, तभी जाकर आपका अच्छा खासा अर्निंग होगा। नहीं तो रोज़ वही पॉइंट में डॉलर आप उसको इकट्ठा करते रहिए और महीना में, तीन महीने में पता चला कि $4 $5 हुआ, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि यह एक्सपीरियंस मिला है हमारे चैनल को और हमें भी ये चैनल मोनेटाइज हुआ है, जो अभी कुछ खासी दिन हुआ, जिसके बदौलत चैनल तो मोनेटाइज हो गया लेकिन उतने अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आने की वजह से उतना अच्छा खासा अर्निंग नहीं हो पा रहा है। तो नए यूट्यूबर और क्रिएटर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, यूट्यूब पे आइए, लेकिन इस बात को ज़रूर ध्यान में रख कर आइए कि हमें मोनेटाइज वाले पॉलिसी को केवल कंप्लीट करने नहीं आना है, अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे लाइक कर सकें और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, ताकि आगे चलकर आपको आखिरकार यही उद्देश्य होता है यूट्यूब पे आने का कि अर्निंग कर सकें। जब अर्निंग करने आना ही है तो उस हिसाब से आइए ताकि आप अर्निंग कर सके। ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी पूरा करने की, हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग हो रहा है, आप बिटोरते रहिए सिक्का 1-2 रुपया डेली का, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए
ताकि अच्छा खासा मंथली इनकम आ सके, ठीक है। तो उसी हिसाब से चैनल पे आइए और वैसा ही कंटेंट लेकर आइए। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए।